नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। आज खूंटी जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि एक पीएलएपीआई के नक्सली संगठन पीएलएपीआई के सदस्य और एक जो है पिछले कई सालों से फरार चल रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। हम बात करें तो सबसे पहले अड़की थाना क्षेत्र का बता देते हैं कि अड़की थाना क्षेत्र के ग्राम तुबीद का दसाई मुंडा जो लगभग 20 वर्षों से फरार चल रहा था, कई कांडों में अड़की थाना में उसके खिलाफ कई कांड दर्ज है, कई कांडों में वो फरार चल रहा था और अपना नाम व पता बदलकर कहीं और रह रहा था। इसी क्रम में वो अपने अपने निजी गांव अड़की थाना क्षेत्र के तुबीद पहुंचे हुए थे, जहां की पुलिस को इसकी सूचना मिली कि वो आरोपी अपने गांव तुबीद पहुंचा हुआ है, जिसके बाद अड़की थाना प्रभारी इकबाल हुसैन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करते हुए इस टीम को गठन करने के बाद जब वो कार्रवाई करने के लिए गई तो वहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो रनिया थाना क्षेत्र से एक पीएलएपीआई के सदस्य को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने हथियार व पीएलएपीआई का चंदा पर्चा रसीद भी बरामद किया है। तो पुलिस को पीएलएपीआई के सदस्य श्रवण दास और उसके साथियों के निश्चितपुर में देखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और उस छापेमारी दल को भेजा गया कार्रवाई के लिए, जहां से पुलिस ने कार्रवाई की। बात तो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि जिस घर में पीएलएपीआई के वो सदस्य जो छुपा हुआ था, जिसमें कि श्रवण दास और उसके अन्य जो दो साथी थे वो जिस घर में छुपे हुए थे, पुलिस द्वारा उस घर की घेराबंदी की जा रही थी, तभी किसी प्रकार से उन लोगों को पुलिस के आने की सूचना मिली और घर के पिछले दरवाजे से दो नक्सली भागने में सफल रहा, जबकि पुलिस ने एक को जो है दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़ाए गए नक्सली जो है हरमन बारला जो लगभग 20 वर्ष का है, उसके पिता का नाम सनिका बारला, ग्राम निश्चितपुर सदान टोली थाना रनिया जिला खूंटी का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, पीएलएपीआई का पर्चा और मोबाइल फोन बरामद किया है।